अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन कोरंगी, खादिम कोरंगी का लकब भी मिला है और अमली तौर पे जो जुडिक्शन है, जो हदूद है, ये लांडी टाउन की ऑफिशियली बनती है। कुछ मोबाइल मार्केट यूनियन के तहफ़ुज़ात थे, इश्यूज़ थे, जो कि टाउन चेयरमैन कोरंगी अमली तौर पर मौजूद हैं लांडी टाउन की जुडिक्शन में और बहुत सारी जो है अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दी है। खादिम कोरंगी का नाम भी, लकब भी मिल गया, शायद ये अब खादिम लांडी भी कहलाए आफ्टर डेथ। इस काम के बाद फ्लेक्सिबिलिटी की कोशिश होगी, एक जो लोड शेडिंग है, जो पीक टाइम है, जो इनका अमली तौर पे जिस वक्त कारोबार का वक्त होता है, जिस वक्त यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, उस टाइम को भी जो है मैनेजमेंट की इन्होंने वादा किया कमिटमेंट के, प्लस साथ ही साथ रोड के कुछ मामला हैं, क्या क्या वादे किए, क्या क्या कमिटमेंट किए खादिम कोरंगी से ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। खादिम कोरंगी जो है खादिम लांडी बनना चाह रहे हैं, क्या है थोड़ा सा बताइएगा। जुडिक्शन में आ गए हैं, बड़े वादे हो गए हैं, कमिटमेंट कर लिए सर, खैर है? नहीं, बस लांडी के लोगों की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और एज ए पार्टी का जियाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है हमारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करने पर बिलीव रखती है और इनशाला उसी तरह हम काम कर रहे हैं। कोरंगी में आपने देखा है हमने किस तरह काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी की आवाम ने हमें सराहा भी है और हमें वोटों से नवाजा है और हमें एक MP भी हमें मिला है, तो इंशाल्लाह काम हम कराएंगे लांडी या कोरंगी शाफे से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बेसिकली आइडेंटिफाई करने मसाइल इशूज और इंशाल्लाह हम उसके मसाइल को हल करेंगे। जिस तरह इनके मसाइल थे, एक ताजिर है, रेवेन्यू जनरेट होता है, कौमी खजाने में टैक्स के मद में पैसे आते हैं, इनको तो ज्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। इंशाल्लाह इन्होंने बुलाया, मुझे अपना मुकदमा बताया, इनके क्या मसाइल है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सारे मसाइल हल करें। और जहाँ तक कि लांडी खादिम कोरंगी की बात है, लांडी के भाई, लांडी हो या कोरंगी हो, मैं कोरंगी का खादिम हूँ तो जिला कोरंगी का खादिम हूँ ना, तो क्योंकि हमारा मदर टाउन है कोरंगी, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे जिले पे काम कराए, तो इंशाल्लाह हम कराए करेंगे। अच्छा नईम शेख साहब, जिस तरह भी आपने अनाउंसमेंट किया, चारों इतराफ जो है स्ट्रीट लाइट भी जो है आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, स्टाफ सारी चीजें आपके पास मौजूद है, क्या आपके जो हरीफ कह सकते हैं ना, दीगर पार्टी के जो हैं, वो इतराज नहीं करेंगे कि यार मेरी जुडिक्शन में आप मेरे मामलात में काम करा रहे हैं, अपना जो है सियासत चमका रहे हैं, क्या आमली तौर पे आपकी पॉलिटिक्स इफेक्टेड होगी, असरअंदाज होगी? नहीं, इस तरह की बात में नहीं सोच रहा, अगर वो सोच रहे तो उनकी गलती होगी और मुझे यकीन है कि वो नहीं सोचेंगे, समझदार लोग हैं। वसाइल जितने मेरे पास है उतने मसाइल उनके पास भी है और हम काम लेना चाहते, काम करने वाला होना चाहिए, हमने तय कर लिए काम करेंगे तो करेंगे इंशाल्लाह। और पीपल्स पार्टी बात नहीं करती, काम करती है, चला काम करेंगे। बड़ा कामयाब आपका रहा फतेह कोरंगी, जश्न बहारा फतेह कोरंगी जो है आपका, तो ये बताइएगा ये भी जुडिक्शन जो है लांडी की थी, हमने जब पूरी इस पे वर्किंग करी कि पार्क भी मेरे, अगर मैं कोरंगी में ही है। अच्छा जी, तो फतेह कोरंगी बड़ा कामयाब रहा। अगला जो है आपका मेगा प्रोजेक्ट, आपकी मेंटली तौर पर जो है प्रिपरेशन तैयारी कहाँ पे कोरंगी में? देखिये, अभी तो हम 3:30 का जहाँ हमने फतेह कोरंगी रखा था जश्न बहारा, वहाँ पर हम बराबर में ईदगाह बन रही है, स्टैंडर्ड साइज की ईदगाह बन रही है और बहुत ही VIP बन रही है। हमारी सिंध हुकूमत का तोहफा है कोरंगी के लिए, कोरंगी की ब्यूटीफिकेशन में इजाफा है, उसमें जॉगिंग ट्रैक बन रहा है, उसके अंदर एक इस्लामी लाइब्रेरी बन रही है, उसमें बच्चों के क्रिकेट के हवाले से स्टेडियम बन रहा है, फुटबॉल की भी हम उसमें एक गोल लगाने जा रहे हैं, तो कोरंगी लांडी की एक बहुत खूबसूरती में इजाफा है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरंगी और लांडी के लिए एक तोहफा दिया है, इंशाल्लाह वो रमजानों में कंप्लीट होगा और फिर मुझे यकीन है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसका इफ्तिताह करने आएंगे, तो आप देखेंगे उसके अंदर पूरे लांडी कोरंगी को हम मधु करेंगे, तमाम पोलिटिकल पार्टी के हेड को बुलाएंगे जो कोरंगी लांडी से वाबस्ता है। हम चाहते हैं कि तमाम लोग मिलके कोरंगी और लांडी की तामीरी के लिए हमसे साथ मिलके हमारे साथ काम करें और इंशाल्लाह हम करेंगे। बट साहब, ये बताएं कि आपने जो अनाउंसमेंट करा दी, चारों तरफ जो है आपके यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होंगी, रोड डल रहा है जी, और जो है लोड शेडिंग की टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो जाएगी, क्या करा दिया आपने? देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे नारा है अपनों के, हम अपने आते हैं, आपने सुना होगा, ये बड़ा मशहूर नारा है और कई सालों से मार्केट बाद है, अपनों के तो कोई काम नहीं आया। खैर, जब अपने हम बने, अपनों को लाए हमने पीपल्स पार्टी वालों को, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी शमूलियत की तो उन्होंने वादा किया और इंशाल्लाह यहाँ आपको काम होता भी दिखेगा, इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा काम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो अपनों की आप बात करें, वो आपसे नाराज हैं, आप उनसे नाराज? नहीं, अपनों का नारा ही गलत है ना, अपनों के अपने काम आते हैं, हमें तो नहीं पता कब काम आते हैं वो, लेकिन ये अपनों ने अपना काम करके दिखाया आज। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया
क्योंकि आप लोग जो है जो सहाफत है वो आंखें होती है लोगों को उजागर करने के लिए, दिखाने के लिए। और दूसरी बात, आप हमारे छोटे भाई भी बच्चे भी हो, कह रहे ग्वाला वो अच्छा है जो दूध ज्यादा निकाले, मैंने हर आदमी तो दूध नहीं निकाल सकता ना। और फिर गायें भी जो हो अच्छे नस्ल की हो, तो इस वक्त तो गायें हमारे पास पील पार्टी की बहुत अच्छे नस्ल की गायें हैं, और ग्वाला भी अच्छा मिल गया उसको, तो अल्लाह पाक ने करवा दिया। इसका सेहरा सही मानों में जो जाता है वो इरफान भट्ट को जाता है, क्योंकि देखो इस काम का जो करने का इस्तेदार वो इरफान साहब ने किया, भट्ट साहब जिनको, बिल्कुल हाँ भट्ट साहब ने किया, वो हमें मौका दे दिया। अब इत्तेफाक से मेरे सामने जो गायें आ गई है वो बहुत दूध देने वाली थी, तो हमने कहा उससे सड़कें भी बनाई जाए, जो लोड शेडिंग का मसला है उससे भी कराया जाए, और ये वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये बरसर इख्तियार पार्टी है सिंध में, तो इनकी हुकूमत जब से पाकिस्तान बना है मैंने कभी नहीं देखा कि पील पार्टी माइनस रही हो, हर दौर में पील पार्टी रही है। हाँ अभी सबको नजर आ रहा है कि सिंध में पील पार्टी है, तो फिर हम इसको नाराज क्यों करें? ये साहिब इख्तदार लोग हैं, इनसे काम लेना है, हमने इनसे लड़ना नहीं है, इनसे काम लेना। और हमने अपने दुकानदारों की बेहतरी के लिए उनसे काम लिया है, उनसे हमने गुजारिश की है, और उन्होंने आपको सामने मीडिया के सामने बड़ा अच्छा वादा किया है, और ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, उन्होंने कहा 10 से 15 दिन, और इंशाल्लाह नईम शेख जो है ना वो जेनेटिक आदमी है, पुराने दोस्त भी है मेरे, और काम करेंगे इंशाल्लाह। आप भी शेख, वो भी शेख, बाकी सारी जो है आवाम देख, नहीं नहीं वैसे तो जावेद शेख भी हैं, जावेद शेख भी, चले खैर है, सब हम भाई हैं, सबसे पहले मुसलमान हैं, ये हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं हमारे से बहुत, आप भी हमारे बच्चों, काम लेना है। देखिए रात यहाँ पे हम आए ना, जो काम ले ले वो हीरो है।